ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਬੱਚੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਔਰ ਉਹ 8th ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੈ, ਯੋਗੇਸ਼, ਮੇਘ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੁਲਦੀਪ, ਸ਼ਿਵਮ। ਔਰ ਕੱਲ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਟੀਨ ਜੈਸੇ ਚਲਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਹਮੇ ਵੀ ਲਗਾ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਅਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਅਬਸੈਂਟ। ਤੋ 3:30 ਵਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਆ, ਆਏ ਸਕੂਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਮਾਰਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 3:30, 3:35 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਤਬ ਹਮਨੇ ਜੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਤੋ ਵੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਬਸੈਂਟ ਥੇ। तो आफ्टर दैट पेरेंट्स ने अपनी ऑन पे हमने भी उन चीज़ों को सर्च आउट करना शुरू किया, उनके फ्रेंड्स को कॉल्स की कि कहाँ जा सकते हैं, तो पता लगा 1, 2, 3, 4 बच्चे जो है वो घर से निकले हुए हैं लेकिन वो स्कूल नहीं पहुँचे। उसके बाद कुछ बच्चों जब उन्होंने कुछ और बच्चों से इंक्वायरी की, किसी ने देखा हो सुबह जाते हुए, तो कुछ बच्चों ने कहा हमें कि वो मैंने उन्होंने बस स्टैंड की तरफ जाते हुए देखा था सुबह साइकिल्स के ऊपर। इमीजिएटली पेरेंट्स को बताया गया कि आप बस स्टैंड पर आप लोको देखिए, कोई कॉन्टैक्ट में पर्सन जो बस स्टैंड में है उनसे पता करिए। तो उनका फिर वापस लगातार जैसे हम इंटर चले तो उन्होंने कहा कि उनकी साइकिल जो है वो बस स्टैंड पे मिल गई। तो लेट नाइट तक 6-7 बजे तक उन चीज़ों को ट्रेस करते लेकिन उस पर से एक बच्चे का फ़ोन जो था बाई चांस ऑन था। तो पुलिस ने जो लोकेशन ट्रेस की तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है उनकी लोकेशन हुई। तो आफ्टर दैट आई कम टू नो कि फ्रॉम ऑफिशियल साइड कि वो बच्चे वहाँ से हमने लोकेट कर लिए। सर, जैसे और स्कूलों में सुबह 9 बजे पेरेंट्स के पास मैसेज आता है, आपके स्कूल में नहीं जा रहा क्या सर? नहीं, ऐसा इस तरह का सिस्टम सर अभी तक तो एस्टेब्लिश नहीं था हमारे स्कूल में कि सुबह अराइविंग का, अदरवाइज रूटीन मैसेज भेजते हैं। लेकिन वेरी सून, क्योंकि ये भी एक लर्निंग लेसन ही हमें मिला है कि हम इस तरह को एक सिस्टम जो है वो सेटअप करें कि सुबह एक बार मैसेज ज़रूर कन्फर्म हो जाए पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा जो घर से चला है वो स्कूल पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। और इवन कि हम डिपार्चर टाइम भी ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि यहां से जब बच्चा निकल जाता है तो एक मैसेज कन्वे हो जाए पेरेंट्स को कि स्कूल से बच्चा जो है वो बाहर चला गया है। जो बच्चे थे वो सुबह स्कूल आए थे या स्कूल आए ही नहीं, वो स्कूल में एंट्री नहीं हुए, घर से ज़रूर चले थे लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे। इस घटना के पीछे आप किसकी जिम्मेवारी मानते हो जी? देखिए सर, डायरेक्टली हम इस चीज़ के बारे में कोई जिम्मेदार तो नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे जब आएंगे उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्या उनके रीज़न रहे होंगे। सुबह भी मेरी 9:30 आज ही बात ही हो तो पेरेंट्स को मैंने कहा था कि आप बच्चों को लेकर ज़रूर स्कूल आइए, तो उन्होंने कहा कि हमें अभी स्टेशन जाना है, उसके बाद हम बच्चों को लेके आएंगे, उनसे बात करते हैं कि क्या रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने इस तरह का कोई स्टेप उठाया है, क्योंकि कुछ भी मिसहैपनिंग भी हो सकती थी, पर थैंक गॉड कि बच्चे अब सही सलामत है। लेकिन हम उनसे बात करते हैं कि क्या ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए कि उनको इस तरह का करना पड़ा। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਈ ਔਰ ਸਪਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਬਲਕਿ